एक बार गंगा में अगर डुबकी लगा ली है हृदय से मन से, एक बार अगर गंगा में डुबकी लगा ली है मन से हृदय से चित्त से, तो कहते हैं जब तक व्यक्ति के प्राण छूटते हैं तब तक वो गंगा का जल उसके शरीर से लगा ही रहता है, वो अंतिम बिंदु तक लगा रहता है। मरने के बाद घर के लोग लोटा में भर के ले जाएं खास खास अस्थियों को, कोई पूरी तो अस्थि ले ही नहीं जा सकते, इतनी सारी कौन ले जाए, तो वो अम्मा के दांत उंगली का खुपड़िया ऐसी 4-6-8 अस्थियां ढूंढ के झोली में भर के फिर लेके जाए गंगा। उससे अच्छा है पूरी अस्थि ले जाओ, पूरी ये शरीर संपूर्ण जीते जी गंगा का स्नान हो जाए। और आप लोगों को बड़ी साधुवाद का धन्यवाद, मानल ये मान सरोवर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, मान सरोवर शिव पुराण की कथा है। इस साधारण मान सरोवर में तो वहां चीन पहुंचोगे कम नहाओगे, पर यह पक्का है कि मान सरोवर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। जिन जिन कुंडों का, जिन जिन नदियों का, जिन जिन तालाबों का, जिन जिन सरोवरों का नाम लिया जा रहा है, समझ लो उस सरोवर में तुम स्नान कर रहे हो बैठकर, और पूरा मकर का स्नान आप उसी सरोवर में करते जा रहे हो। मकर संक्रांति तुम्हारी 4-5 दिन से चालू हो गई, वैसे तो 5 दिन पहले से तुमने लड्डू खाना भी चालू कर दिया होगा, ऐसा नहीं कि मकर संक्रांति पे ही खाओगे। दिल्ली की गजब तो ना जाने कितनी बार निपटा गए अभी तक, तो ये तुम वो चालू हो गया स्नान मकर का। अब जितने लोग भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, तो वो भी कह सकते हैं, कोई पूछे क्यों कहां गई थी, तो कहना आज गंगा नहा रही थी। इससे पहले कुंडेश्वर महादेव, उसके पहले धनवंतरी को, फिर ज्ञानवापी के दिन आज खूब नहाई सा गंगा, सिर पर मस्तक पर शिवजी के बैठी, पार्वती को क्रोध आ गया, क्रोध आया, और पार्वती मैया क्रोध में आकर आंख से अश्रु गिराती हुई फिर तप में लीन हो, फिर तप साधना करने लगी। अब जैसी तप साधना में डूबी, जैसी तप साधना में डूबती हैं, हिमालय बाबा का आगमन हुआ, हिमालय राज जी, हिमालय राज ने आकर कहा बेटी चलो घर चलो, मैं वचन देता हूं आपका विवाह मैं शिवजी से करा दूंगा, चलो मेरे साथ घर चलिए। पार्वती मैया ने डबल से एक स्थान पर बैठकर जब तप किया, पार्वती के उस तप करने से शरीर से बिंदु प्रकट हुआ, उस बिंदु से एक कुंड प्रकट हुआ जिसका नाम गौरी कुंड हुआ। कौन सा कुंड है? गौरी कुंड। ये वो गौरी कुंड नहीं है जो केदारनाथ जी जाते। पार्वती जी ने तब कहां करा था? हिमालय राज का जहां राज्य क्षेत्र था, और हिमालय राज के राज्य क्षेत्र में जहां मैनावती अपने क्षेत्र में निवास करती थी, उसके मध्य में नाना और पिता का घर, नाना और दादा के घर के मध्य में हिमालय राज के उस हिमाचल प्रदेश के सुंदर आनंद में गौरी कुंड, एक गौरी कुंड आता है, केदारनाथ जी जाते हैं तो नीचे पड़ता गौरी कुंड, उसके बाद में केदारनाथ जी की यात्रा होती है वो उत्तराखंड में, एक हिमाचल प्रदेश में गौरी कुंड। जब हम मणि महेश जाते हैं तब पड़ता है। कहां जाते हैं? मणि महेश। वैसे तो उम्मीद है जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं उनमें से कई लोग मणि महेश होकर आए होंगे, और जितने हरियाणा पंजाब दिल्ली वाले क्षेत्र के लोग होंगे वो तो कई बार होकर आए होंगे। मणि महेश चीन के अंदर
चाइना के अंतर्गत हमारा कैलाश अधिपति विराजमान, और कैलाश अधिपति जो वहां नहीं जा पाता वही शंकर का बिल्कुल कैलाश अधिपति जैसा ही स्वरूप, बिल्कुल कैलाश जैसा मणि महेश है। जहां पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को और गंगा को समझाया है, देखो पार्वती मैया और गंगा जी को जहां पर भगवान शिव प्रकट होकर समझा रहे हैं कि मैंने तुम्हें वर दिया कि तुम मेरे बाजू में विराजमान होगी, तुम मेरी अर्धांगनी बनोगी, और गंगा तू मेरे मस्तक पर, जहां दोनों को समझाया गया पर एक रुष्ट हो गई, वो पार्वती पापी तप करने बैठ गई, वो गौरी कुंड। महाराज उस गौरी कुंड के पास